हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761, यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप कर सकते हो। और आप हम पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। मतलब उसमें हमने जो पढ़ा था वो था, पहले सबसे पहले पढ़ी थी उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने, उसके बाद हमने पढ़ लिया था उसको हम डिनोट किससे करते हैं। जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो तो उसे पी से डिनोट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई हो तो क्यू से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो तो आर से डिनोट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो तो एस से करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो तो टी से करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पढ़ लिए थे हमने। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने डेरिएशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। मतलब कोई हमारे पास एक स्वच्छ फलन होगा, स्वच्छ कॉन्स्टेंट होगा, उसको हमें निकाल के हटा के उसमें से, और हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं कैसे बनाते हैं ये पढ़ लिया था हमने। इसके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। साथ में हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन, ये पढ़ लिया था हमने। कोई मतलब कोई भी उसमें आर्बिट्री फंक्शन होगा, स्वच्छ फलन होगा, उसको हटा के हम उसमें कैसे उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, हमने ये पढ़ लिया था। उसके कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। साथ ही हम इसमें पढ़ चुके थे सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशंस, मतलब कि लैग्रांज इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए थे। आज हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ना है हमें एक दिए हुए वक्र से गुजरने वाले समाकल पृष्ठ। मतलब आज हमें पढ़ना है एक दिए हुए कोई वक्र दिया होगा उससे गुजरने वाले जो समाकल पृष्ठ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन कर्व, ये हमें आज पढ़ना है। इसे सोल्व निकालने के लिए पास हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स में हम पहला मेथड पढ़ते हैं, फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है अपने पास, मान लो अपने पास दिया हुआ समीकरण किस रूप में होता है, इस रूप में होता है। ये अपने पास समीकरण है जो दिया हुआ है, तथा इसके मान हम ये भी मान लेते हैं कि इसके जो हम हल जो प्राप्त हुए हमारे पास वो दो इस तरह से हुए थे, यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन एंड वी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू, ये इसके दो हल हैं। राइट, ये भी मान लिया हमने कि इसके दो हल हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू हो गई। अब मान लो हमें एक वक्र जो निम्न समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो निम्न समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब हमारे पास कोई एक जो वक्र दिया होगा जो कुछ इस तरह का वक्र होगा वो होगा एक्स बराबर एक्स टी, वाई बराबर वाई टी, टी का कोई फंक्शन होगा एंड जेड बराबर जेड टी, इस तरह से दिया हुआ होगा, जहाँ टी कोई एक पैरामीटर है, टी एनी पैरामीटर, कोई प्राचल है, इसे हिंदी में प्राचल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो समीकरण दो के विशिष्ट हल हमें होने चाहिए थे ना, वो इस तरह से होने चाहिए थे। समीकरण दो था, इसका विशिष्ट हल जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था यू एक्स टी यू वाई टी यू जेड टी यू अरे यार यू एक्स फंक्शन को टी का, वाई फंक्शन
कोई टीका, जेड फंक्शन कोई टीका, इक्वल टू सी वन एंड वी, एक्स कोई फंक्शन टीका होगा, वाई कोई फंक्शन टीका होगा, जेड कोई फंक्शन टीका होगा, इक्वल टू सी टू, इस तरह से अपने पास ही आ जाएगा। अब जब हम ये क्वेश्चन ये इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए फोर्थ बी, ये दे दिया हमने क्वेश्चंस। अब हमें इसका जो समीकरण, जो वक्र का जो समीकरण प्राप्त करना है, वो हमें इससे कोई ऐसी टेक्निक लगानी है जिससे सी वन एवं सी टू कट जाए, और सी वन और सी टू कट के और सिर्फ ये आ जाए। ये शायद इसको कोई मल्टीप्लाई में हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई में हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, लेकिन सी वन एवं सी टू कट जाएंगे। तो या फिर हम ये कह सकते हैं सी वन और सी टू, ये होते हैं ना सी वन और सी टू, इनमें कोई हम रिलेशन प्राप्त कर लें, जो हम रिलेशन प्राप्त करते हैं ना, वो रिलेशन इनमें रखने पे अपने पास जो अवशिष्ट समीकरण होगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं दो में रखने पे वो प्राप्त हो जाएगा, ये हो गया इस तरह से। अब इसका जो सेकंड मेथड होता है वो पढ़ते हैं। अब इसका सेकंड मेथड क्या होता है ये देखते हैं। सेकंड मेथड होता है अपने पास, जैसे इक्वेशन तो अपने पास वही यही दी होगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इस तरीके को इक्वेशन दी हुई होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लेते हैं इसको। अब तो इसके हम सहायक समीकरण इसी तरह से ले लेते हैं जैसे पहले लिए थे हमने, यू एक्स वाई जेड, लेट यू एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन एंड यू वी वी एक्स वाई जेड इक्वल टू सी टू। कोई इसके दो सॉल्यूशन है, आर एनी टू सॉल्यूशन, ये से कोई दो सॉल्यूशन है। अब मान लो कि हमें एक ऐसा वक्र जो इस समीकरणों से प्राप्त किया जा सकता है, इसे गुजरने वाले पृष्ठ ज्ञात करने हैं। मान लो हमें एक दिए हुए वक्र, कोई वक्र दिया होगा, जो निम्न समीकरणों से प्राप्त किया जा सकता है, जो समीकरण जो हमारे पास नीचे उससे इससे गुजरने वाले वाले समाकल पृष्ठ ज्ञात करने हैं। अब हमने ये वक्र मान लिए, ये मान लिए एक तो फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, और सेकंड मान लिया साई एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, ये हमने दो पृष्ठ मान लिए। अब जब हमें ये दो पृष्ठ मान लिए, इसको हम क्वेश्चन नंबर तीन दे देते हैं। जब ये दो पृष्ठ मान लिया, अब हमें दो से हम तीन से, ये अपने पास दो था, दो से हम तीन से एक्स वाई जेड का विलोपन कर, मतलब वही हमें जो पहले किया था हमने, एक्स वाई जेड का इसको विलोपन करके सी वन तथा सी टू के मध्य में कोई रिलेशन प्राप्त करना है, मतलब सी वन रिलेटेड कोई सी टू रिलेशन प्राप्त करना है, क्या है रिलेशन ये प्राप्त करना है, और अंत में जो सी वन एंड सी टू के मान हम दो में रखने पे, इसके दो से सी वन तथा सी टू का मान प्राप्त करने पर जो अपने पास वो होगा, वो अपने पास अभीष्ट समाकल पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। मतलब जो रिलेटेड रिलेशन होगा ना, उससे उसे हम या तो इसमें रख सकते, हैं टू में, तो वो अपने पास अभीष्ट समाकल प्राप्त हो जाएगा। वैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम है फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है वाई पी माइनस टू एक्स वाई क्यू इक्वल टू टू एक्स जाए एक्स जेड थ्रू द कर्व एक्स बराबर टी, वाई बराबर टी स्क्वायर एवं जेड बराबर टी क्यू। इस तरह से हमारे पास ये दी हुई है, कोई वक्र है, ये कोई वक्र है अपने पास, मतलब वक्र ये है अपने पास, एक्स बराबर टी, वाई बराबर टी स्क्वायर, जेड बराबर टी क्यू। इससे गुजरने वाले आंशिक अवकल समीकरण, ये आंशिक अवकल समीकरण ये वाई पी माइनस टू एक्स बाई क्यू इक्वल टू टू एक्स जेड का जो समाकल पृष्ठ है वो हमें ज्ञात करना है।
अब वो समाकलन प्रश्न याद करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। हम जो सॉल्यूशन निकालने के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए हमें हमारे पास लैग्रैन्ज समीकरण क्या होता है, वो होता है अपने पास पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। इस फॉर्म का है। तो इसमें पी बराबर क्या है अपने पास, वाई। क्यू बराबर क्या है अपने पास, माइनस टू एक्स वाई। एवं आर बराबर क्या है, टू एक्स जेड, ये अपने पास हैं। इसलिए दिए हुए समीकरण के लैग्रैन्ज सहायक समीकरण जो होंगे क्या होते हैं, वो होते हैं डी एक्स अपन पी डी वाई अपन क्यू, डी एक्स अपन पी बराबर डी वाई अपन क्यू बराबर डी जेड अपन आर। तो डी एक्स अपन पी पी आ गया वाई इक्वल टू डी वाई अपन जेड क्यू, सॉरी डी वाई अपन क्यू, तो ये आ गया माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपन टू एक्स जेड, ये आ गया अपने पास। अब हम इसे सॉल्यूशन निकाल दें, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले पहले दो पद ले लेते हैं। प्रथम दो पदों से, तो प्रथम दो पदों से करते हैं, तो यह आ जाता है अपने पास डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस टू एक्स वाई। तो y से y गया, इस 2x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया अपने पास माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस सी, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू सी, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको यहाँ देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं हम। अब इसी तरह हम दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। दूसरे सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अंतिम दो पद ले लेते हैं, ये ले लिए हमने ये दोनों पद, तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन माइनस टू एक्स वाई बटे डी जेड अपॉन टू एक्स जेड, ये आ गया। टू एक्स से टू एक्स गया, तो ये आ गया वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, ये आ गया अपने पास। हमने इसको इधर ले गए हैं और इक्वल टू जीरो लिख दिया है हमने, ये इसका डिफरेंस, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये क्या आ गया, लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू सी, इसको हम सी की लॉग, जो सी आएगा उसको लॉग की फॉर्म में ले लेते हैं, लॉग सी, ये भी कोई कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सी वन, पहले जो इक्वेशन में हमने सी वन लिखा था लिखना था, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसको वाई जेड इक्वल टू, इसको सी टू लेके चलते हैं सी टू, ये आ गया अपने पास। अब ये आ गए, तो हम अपने पास जो अपने पास वक्र का समीकरण दिया हुआ था, ये दिया हुआ था अपने पास कर्व जो एक्स बराबर टी क्यू वाई बराबर टी स्क्वायर जेड बराबर टी क्यू, ये रख देते हैं। दिए हुए वक्र के प्राचल समीकरण है, जो प्राचलिक समीकरण थे, मतलब पैरामीटर थे, वो थे अपने पास x बराबर टी वाई बराबर टी स्क्वायर जेड बराबर टी क्यू। अब ये मान हम इन मानों को हम दो व तीन में रखते हैं, ये तीन इक्वेशन ले लेते हैं, इन मानों को दो एंड तीन में रखने पर, इन मानों को दो एंड तीन में रख दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इन मानों को दो और तीन में रखने पर अपने पास आ जाएगा, ये तो यहाँ पे रखा, तो हमने ये आ गया अपने पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू है, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन इधर गया था तो माइनस हो गया था, इस तरह ये प्लस ले सकते हैं हम, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सी वन, ये आ जाएगा अपने पास, क्योंकि हम इसको इधर ले गए हैं और सी वन को इधर ले गए हैं, तो इस तरह से हमने नया वो कर दिया, जैसे सी डैस हो गया सी वन हो गया, ये इस फॉर्म में आया अपने पास। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मतलब कि एक्स यानी टी टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्यों वाई बराबर टी टी स्क्वायर है तो इक्वल टू सी टू, या हो गया टू टी स्क्वायर इक्वल टू सी वन,
ये आ गया अपने पास सी वन है ये। और दूसरा है अपने पास वाई जेड इक्वल टू सी टू। वाई बराबर क्या है अपने पास टी स्क्वायर डॉट टी क्यू इक्वल टू सी टू, या इससे हो गया ये टी की पावर फाइव इक्वल टू सी टू। ये आ गया। अब हमें सी वन एवं सी टू में कोई रिलेशन निकालना है, तो सी वन एवं सी टू में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों कब जैसे इक्वल करने के लिए हम टी के किस तरह से वैल्यू पुट करें, मतलब कि ये इक्वल आ जाए, ये करने के लिए हम जैसे ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, टी स्क्वायर की वैल्यू होती है अपने पास यहाँ से सी वन अपॉन टू, या टी बराबर क्या हुआ है रूट सी वन अपॉन रूट टू, ये हो गया। तो इससे यहाँ से टी वन इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास रूट सी वन अपॉन रूट टू की पावर फाइव इक्वल टू सी टू, या इसको हम लिख सकते हैं अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सी वन अपॉन टू की पावर फाइव बाई टू इक्वल टू सी टू। अगर दोनों तरफ हम वर्ग कर दें तो ये आ जाएगा अपने पास सी वन की पावर फाइव अपॉन टू की पावर फाइव इक्वल टू सी टू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम। इससे अपने पास रिलेशन आ गया अपने पास सी वन की पावर फाइव इक्वल टू टू की पावर फाइव की वैल्यू हो गई 32 सी टू स्क्वायर, ये अपने पास रिलेशन आ गया एक। अब जब हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है तो अब ये अपने पास क्या दे रखा है सी सी वन बराबर क्या है टू टी स्क्वायर, तो सी टू ये सी वन बराबर है टू टी स्क्वायर, ये सी वन बराबर टू टी स्क्वायर, तो यहाँ सी वन की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास टू टी स्क्वायर की पावर फाइव, इसको अलग से कर लेते हैं। ये सी वन ये आ गया अपने पास रिलेशन आ गया सी वन की पावर फाइव इक्वल टू 32 सी टू स्क्वायर, ये आ गया था रिलेशन अपने पास। तो अपने पास सी वन की वैल्यू क्या थी अपने पास टू टी स्क्वायर, तो ये हुआ टू टी स्क्वायर की पावर फाइव इक्वल टू 32, एंड सी टू क्या था टी की पावर फाइव, तो टी की पावर फाइव की पावर 10, ये हो गया। फ्रेंड्स सी वन एंड सी टू की वैल्यू अपने पास यहाँ से लेनी है हमें, ये लेनी है एक तो सी टू की वैल्यू वाई जेड है, और अपने पास जो सी वन की वैल्यू थी वो है अपने पास सी वन की वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू सी वन, तो ये लेने हैं एक्स सी वन बराबर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर फाइव हो गई है सी वन की पावर फाइव इक्वल टू 32, एंड सी टू क्या था अपने पास सी टू था अपने पास वाई जेड सी टू वाई जेड, तो ये हो गया वाई जेड की पावर वाई जेड स्क्वायर, ये हो गया अपने पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू फाइव बराबर हो गया 32 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फ्रेंड्स ये जो अपने पास सरफेस आया है ना पृष्ठ आया है अपने पास, ये कोई सरफेस आया है, ये वो ये उस पृष्ठ का समाकलन है, ये उस पृष्ठ का फॉर्मूला है, मतलब उस पृष्ठ का इक्वेशन है ये, जो उससे वहाँ से होके जो समाकल पृष्ठ से होकर गुजरेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है जो कि अभीष्ट समाकल है, ये हो गया।